हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन और माई एसक्यूएल को लेकर के है। और माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस है, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह का ये डेटाबेस है। यहाँ पर ये माई एसक्यूएल हमने ओपन किया। अब यहाँ पर ये डेटाबेस देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम है, रोल नंबर है, कंप्यूटर के मार्क्स है, बिजनेस स्टडी के मार्क्स है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स है, अकाउंटेंसी का है और इंग्लिश का है, ठीक है। और यहाँ एक मिनिमम मार्क्स का भी अलग से कॉलम बना रखा है, तो फिलहाल इसमें कुछ भी डाला नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सचिन का कंप्यूटर साइंस में 65 है। लेकिन मान लीजिए ये फीडिंग गलत हो गई और हमें इसे पाइथन की मदद से अपडेट करना है, यानी एक क्वेरी हमें बनानी है जो कि हम पाइथन की मदद से अपडेट करेंगे इस चीज को, ठीक है। यानी 65 की जगह 75 लिखेंगे यहाँ पर पाइथन की मदद से। जरा देख लीजिए सचिन का कितना है, 65 है। और इस डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। क्या है? स्टूडेंट मैनेजमेंट। और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट ही, ठीक है। मैं इसे ओपन ही रखता हूं ताकि आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए 65 है फिलहाल। अब चलते हैं पाइथन के ऊपर। तो यहां से पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीई है उसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये है पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीई, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ कोडिंग करेंगे जिसकी मदद से वहां का डेटाबेस अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो क्या है वो कोडिंग, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है यहां पर, यहां पर जो कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको फेच वन, फेच मेनी, फेच ऑल सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे इंपोर्ट कराएंगे, तो ये लिखेंगे इंपोर्ट। और क्या इंपोर्ट कराएंगे, तो mysql.connector, mysql.connector। तो एक ये यहां पे कैटलॉग ऑन रह गया था, तो इंपोर्ट mysql, mysql.connector करेंगे। तो ये हो गया mysql.connector, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करना है यहां पर, जैसे ही ये लिखते हैं तो फिर हमें इसको एक एज ऑब्जेक्ट दे देते हैं, एज सी, एज डी, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहां एज सी दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे कौन बनाएंगे, तो ये कौन हो गया, कौन इज इक्वल टू सी डॉट, अब चूंकि सी नाम से ही बनाया है तो यहां लिखेंगे सी डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो ये लिख दिया सी डॉट कनेक्ट। और यहां पर जो हमारा होस्ट है वो किस टाइप का है, तो हमारा होस्ट है लोकल होस्ट, तो यहां पे डाल देंगे लोकल होस्ट, एच ओ एस टी। तो ये हो गया लोकल होस्ट। और इसको डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के नीचे आएंगे। और यहां पे यूजर हमारा कौन है, तो हमारा यूजर है रूट। क्या है? रूट। अब कैसे रूट है, देखिए यहां पर जब आप MySQL ओपन करेंगे तो आपको रूट ही मिलेगा यूजर, ठीक है। तो ओपन करते समय आप देख पाएंगे कि रूट नाम का यूजर आपको मिला है। तो यहां पे मैं फिलहाल लिख देता हूं ROOT रूट, ठीक है। तो ये लिख दिया रूट, और रूट लिख करके कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के फिर नीचे आएंगे, एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे। अब यहां पे पासवर्ड के लिए आपको पूरा पासवर्ड नहीं लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं PASSWD, ऐसे ही आपको भी लिख देना। और पासवर्ड हमारे केस में है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आपके में जो भी पासवर्ड हो वही पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये पासवर्ड टाइप कर दिया, डबल डॉट कॉमा को क्लोज किया, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे। तो हमारे केस में डेटाबेस का क्या नाम है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ कि डेटाबेस का क्या नाम है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये देख रहे हैं, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट हमारे डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट को यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट मैनेजमेंट। और इसको क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे किसमें, डबल डॉट कॉमा में। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट मैनेजमेंट डबल डॉट कॉमा में कर दिया और ये एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, तो इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, नीचे आने के पहले हम यहाँ पर पहले तो इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जो होस्ट के पहले ओपन हुआ था, इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। और क्लोज करने के बाद क्या करना है, क्लोज करने के बाद यहां पर कर्सर की बात करेंगे, तो यहां लिखेंगे CURSOR, ठीक है। कर्सर इज इक्वल टू कॉन, कॉन लिख दिया और डॉट कर्सर, CURSOR, ठीक है, ये लिख दिया। क्योंकि कर्सर एक फंक्शन है, यहां पे एज अ फंक्शन काम कर रहा है, तो ब्रैकेट ओपन क्लोज दोनों करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेरी लिखेंगे, QUERY, क्वेरी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपडेट करना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे अपडेट, ठीक है। आप इसे स्मॉल में भी कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कि कैपिटल में ही लिखोगे तो ही चलेगा, तो ये स्मॉल में भी कर सकते हैं आप, लिखेंगे अपडेट। और किसको अपडेट करना है, तो हमारे केस में स्टूडेंट डी नाम है, इसी टेबल को अपडेट करना है, तो यहाँ स्टूडेंट डी दे दिया हमने। और यहाँ पे सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो हमने कहा था, यहाँ पर सचिन का कंप्यूटर में मार्क्स सेट करना है, ठीक है। 65 ऑलरेडी है और हमको इसको चेंज करना है, ठीक है, अपडेट करना है। तो यहाँ पर सेट, तो क्या सेट करना है, तो यहां पर कंप्यूटर का मार्क सेट करना है, तो यहां पर लिख देता हूं COMPUTER, देखिएगा कैपिटल स्मॉल का भी फर्क पड़ता है, तो यहां पर ध्यान से, ठीक है। और यहां पर कंप्यूटर में हमें 75 देना था जो कि गलती से 65 हो गया है, तो ये हमने कर दिया। और यहां पे कंडीशन दे देंगे वेयर रोल नंबर, अब इनका रोल नंबर क्या है वो यहां पे दे देंगे, तो ये रोल हो गया, अंडरस्कोर नंबर हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे इनका रोल नंबर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए रोल नंबर क्या, इनका रोल नंबर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 करेंगे हम, क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे रोल नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 कर देंगे, तो यहाँ 1 कर देंगे। और जो डबल डॉट कॉमा ओपन हुआ था उसको
क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। तो क्लोज कर दिया, अब नीचे आएंगे और नीचे आके क्या करेंगे, नीचे आके यहां पर हम करेंगे यहां पर कर्सर डॉट एक्सिक्यूट। अब कर्सर को हम एक्सिक्यूट करवाएंगे, जो फंक्शन हमने बनाया था सी यू आर एस ओ आर कर्सर लिखेंगे, सी यू आर एस ओ आर, तो कर्सर डॉट एक्सिक्यूट लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सिक्यूट करने से क्या होगा, एक्सिक्यूट करने से ये रन कर जाएगा, ठीक है, और फिर जो भी चेंजेस होने हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेरी एक्सिक्यूट होगी, तो ये क्वेरी लिख दिया हमने, एंटर किया, और एंटर करने के बाद कॉन डॉट कमिट, कमिट भी एक कमांड है, इसको भी यूज करेंगे साथ में। तो कमिट कर दिया हमने, और कमिट करने के बाद यानी कि आगे बढ़ा देंगे इसको, और यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चले तो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू डबल एल वाई, ये लिख दिया हमने, हो गया ये, ठीक है। तो ये काम कर दिया है हमने, और अब एट लास्ट जो कर्सर है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, पर जो है अब कर्सर को क्लोज कर देंगे, और यहाँ डाटा की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, वैसे कोई बहुत मायने नहीं रखता है, कर्सर डॉट क्लोज कर देते हैं, तो जिसको ओपन किया जाता है उसको क्लोज भी कर देते हैं। तो ये कर्सर फंक्शन को क्लोज कर दिया हमने, अब इसको चलाते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं, तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो किसी भी नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं, और सेव करके एंटर करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, यानी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, और एक्सिक्यूट होने के बाद क्या रिजल्ट आया वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहां से चलते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, और हम अपना डेटाबेस देखेंगे। यहाँ पे 65 दिख रहा है, अभी भी 65 है कि नहीं, लेकिन ये तो चेंज नहीं हुआ, तो फिर तो हमारा प्रोग्राम गलत हो गया। इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम गलत हो गया, हमारा प्रोग्राम सही से चला नहीं, नहीं, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चला करता हूं मैं, यहां से उठाता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, और यहां से इसको चला देता हूं। तो दोबारा चलाएंगे तो देखिए यहां पर ये अपडेट हो चुका है, 75 हो चुका है, ठीक है। और यहां पर अगर इसी को हमें फिर चेंज करना हो, और या फिर पुनीत का चेंज करना हो, तो पुनीत का देखिए कंप्यूटर में 25 है, तो इसको भी चेंज करना हो तो आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आएंगे, सबसे पहले तो ये ओपन कर लेते हैं, ये आपका पाइथन वाला जो भी डेटाबेस चल रहा था इसको ओपन कर लेते हैं। अभी यहां पर स्टूडेंट मैनेजमेंट ही था, सब कुछ यही था, और पुनीत का हमें करना है, तो पुनीत का रोल नंबर देखना होगा कि क्या है। तो यहां पे पुनीत का रोल नंबर 2 है, ठीक है, और कंप्यूटर में 25 मार्क्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे पुनीत का जो रोल नंबर है वो 2 है, और कंप्यूटर में कितने हैं इनके, 25 है, तो हम 25 को हटाकर 35 कर देते हैं, ठीक है, इनको पास कर दिया जाए। तो ये 35 कर देते हैं, और 35 करने के बाद अब इसको चला देते हैं, तो यहां से इसको रन कराएंगे, और अगर रन हुआ प्रोग्राम तो इसका मतलब कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे 25 ही दिखा रहा है, लेकिन अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर देना है। तो जैसे ही रन करेंगे तो देखिए पुनीत का 35 हो गया। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। एक बार और अपडेट करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी अपडेट करते हैं सचिन की, ठीक है, या इंग्लिश अपडेट करते हैं, इंग्लिश में कम नंबर आ गया, तो इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इनका कम नंबर आया है, और इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए पुनीत नाम के 2 लड़के हैं, तो रोल नंबर 4 जो पुनीत है इसी को अपडेट करते हैं, कंप्यूटर में इनका भी कम है, 25 ही है, तो रोल नंबर 4 वाले पुनीत को अपडेट करते हैं, देखते हैं कैसे अपडेट होता है। तो देखिए यहां पर इसको पहले क्लोज करता हूं, और यहां पर आते हैं, और अब यहां पर कर देंगे रोल नंबर 4, क्या कर देंगे रोल नंबर 4, और यहां पर कंप्यूटर का नंबर चेंज करेंगे, यहां पर इस बार 45 कर देते हैं इनका मार्क्स, ठीक है। ये रोल नंबर 4 वाले पुनीत हैं, अब इसको एक बार चला देते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। हमारा आंसर है कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी डाटा हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, और अब चेक करने की बारी है। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार रन करवा देते हैं, तो अब देखेंगे कि रोल नंबर 4 पुनीत का जो मार्क्स है यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यानी 45 हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में जरूर आता है, इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए, और कोड तो आपको पता ही है क्या लिखना है, यहाँ पर कोड आपके सामने दिख रहा है, तो बस इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत गलत होगा तो चलेगा, क्योंकि वहां पर सिस्टम पे तो कोई रन कराने जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन कोड लगभग ऐसा ही होना चाहिए और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।